ये यहाँ पे आप टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं, इस सारा देख सकते हैं वहाँ पर रश वगैरह। जी आए सब, क्या हाल है सब? उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू एन अदर न्यू ब्लॉग। तो इस बात मेरे सामने पीछे एक आप बिल्डिंग देखे होंगे, तो आज इस बिल्डिंग का आज हमें इसका ब्लॉग मिल गया। तो आज का नाम दूर है जो मेरे पीछे में बिल्डिंग है, ये मुल्तान रेलवे स्टेशन, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन का है। उसका आपको व्यू वगैरह कराते हैं, तो हमारे साथ आइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा छोटा सा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जिन्हें आप कैदा वीडियो को आवाज़ वगैरह करते हैं, चलो आपका मुल्तान जो रेलवे स्टेशन है उसका बाहर का व्यू, अंदर का व्यू भी करवाते हैं और बाहर से थोड़ा सा बाहर भी आकर करवाते हैं। तो मैं क्या देखते हैं, ये देखिए जी, ये है जी मुल्तान का बाजार। ये आप देख रहे हैं मुल्तान कैंट का ये बाजार है सामने बिल्कुल। तो ये रेलवे स्टेशन के सामने, तो ये सारा जो नहीं है मुल्तान का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा विजिट वगैरह कराते हैं। ये देखें यहाँ पे सबसे पहले कोई पुराने ज़माने का इंजन वगैरह पड़ा हुआ है, जैसे कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के बाहर भी पड़ा हुआ था। ये थोड़ा सा उसका व्यू करते हैं हम, तो साथ साथ बाकी भी आपको आगे भी विज़िट करवाते जाएंगे। ये NVNWR लिखा हुआ है कुछ 46G इंजन, कुछ नंबर वगैरह इस तरह का होगा। ये देखें काफ़ी पुराने ज़माने का इंजन लग रहा है, ये मुल्तान स्टेशन के बाहर पड़ा हुआ है। आई थिंक सब रेलवे स्टेशन वगैरह के बाहर पड़ा होता है, और सब उसकी निशानी वगैरह के लिए। ये सारा देख सकते हैं आप, इसके टायर वगैरह नीचे पट्टी वगैरह भी पड़ी हुई है, बाकी इसके अंदर भी फ़ोटोशूट वगैरह के लिए जगह बनी हुई है, आप खड़े होकर वैसे कर सकते हैं। ये सारा देखें आप, जो सामने बाजार है बिल्कुल माशाल्लाह से। और यहाँ से आप देखते हैं ये जो आपको वाइट बिल्डिंग अब नज़र आ रही है ना, ये सारा जो नहीं है वो है मुल्तान रेलवे स्टेशन है सारा जो आप देख रहे हैं इस वक्त। तो दिखाते हैं आपको बाकी साथ साथ चीज़ें भी, और यहाँ पर रक्षे वगैरह वाले भी काफ़ी सारे खड़े हैं, तो बाकी जो चीज़ें खड़ी हैं देखें। आई थिंक उनकी हड़ताल वगैरह हो रही है, ये देख सकते हैं आप सारा व्यू। ये कुलियों की आई थिंक कोई मीटिंग वगैरह भी चल रही है यहाँ पर, ये देखें आप लोग कितना माशाल्लाह खूबसूरत, काफ़ी बड़ा आई थिंक मुल्तान छावनी मुल्तान कैंट का स्टेशन है। वो देखें आप थोड़ा साथ निकल के हम चेक कराते हैं, पूरी वाइट आई थिंक बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें आई थिंक नीले वर्किंग हुई है। वो देखें आप सामने आपको मुल्तान छावनी नज़र आ रही होगी, पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है सारा जो है। ये देखिए ऊपर देखिए आप, काफ़ी बड़ा है, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्योंकि जब हम आए थे उस वक्त रात पड़ गई थी, तो उसकी वजह से वीडियो वगैरह नहीं बना सके थे हम, तो हमने सोचा चलो इसके अलग से एक वीडियो बना लेते हैं बकाया तौर पर, सारा जो सर आप व्यू कर सकते हैं आपको मुल्तान का रेलवे स्टेशन का। देखें आप जरा, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे से आपको थोड़ा सा व्यू करवाते हैं। यहाँ से आप चेक करें, आप यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है इसका, यहाँ से सारी बिल्डिंग का, यहाँ से आप एंट्रेंस भी है एग्जिट भी है, ये सारा काफ़ी खूबसूरत। देखें कितने खूबसूरत रावलपिंडी का और जो लाहौर का ऐसी रेलवे स्टेशन जो मेरी नज़रों में आया जो वहाँ से सफ़र किया, वो रेड रेड मार्बल है ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये टोटली वाइट कलर का बना हुआ है। मुल्तान सिटी द सिटी ऑफ सेंट ओलिया का शहर, ये देख सकते हैं आप सारा माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है। ये देख सकते हैं आप सारा इसके पार का व्यू भी, काफ़ी रश वगैरह भी ट्रेन वगैरह भी है। तो वापसी के लिए भी टिकट वगैरह लेना है, लेकिन अभी उससे पहले बहावलपुर का भी शायद हो कुछ सीन वगैरह, तो वो भी करते हैं। ये देखें आप ज़रा, आई थिंक मस्जिद वगैरह भी कोई अंदर है यहाँ पे,
देख सकते हैं आप सारा व्यू। तो चलिए अब देखते हैं अंदर वाली साइड, थोड़ा सब चलते हैं तो अंदर से आपको व्यू वगैरह कराते हैं। हमारे साथ ही एक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और डिसलाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे आप टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं, सारा देख सकते हैं वहाँ पर शुक्रिया। भूटान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन वगैरह आ रही है, उसको थोड़ा कैप्चर कर लें पहले प्लेन पर आए हम तो। कब कहीं जाएगी एक ट्रेन सारा जो काफ़ी बड़े जाएंगे। काफ़ी ही लंबी ट्रेन है वो आगे जा रही है जी यहाँ तक, अभी भी इसमें देखें अभी काफ़ी लंबी है वो, दूर तक आपको भी ट्रेन ही नजर आएगी ये रुके ही आप। ये वाम जो अभी आई है यहाँ पे वो उतरी है, कुछ वाम जहाँ वापस जा रही है सारा जो नहीं है, ये पुल वगैरह ही बना हुआ है यहाँ पे पार्किंग वगैरह के लिए। चलिए अब आप थोड़ा सा और विजिट करवाते हैं, देखें जी आप रश वगैरह वाम का, कैंटीन्स वगैरह भी हैं। Thank you.